ऑल यू वन वेलकम टू बी एम आर डी इन्वेस्टिंग। मैं अमित बात करने जा रहा हूँ कि कोरोना वायरस के इम्पेक्ट में आप अपना ईपीएफ यानी प्रोविडेंट फंड का पैसा कैसे विड्रॉल करेंगे। आपको गूगल पर सिंपली ईपीएफओ टाइप करना है। अगर आपको ईपीएफओ की वेबसाइट नहीं मालूम है तो आपके सामने यहाँ ईपीएफओ की वेबसाइट आ जाएगी, www.epfindia.gov.in। इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर भी आपके सामने ईपीएफ की वेबसाइट शो हो जाएगी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि ईपीएफ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईपीएफ पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। आपको ईपीएफ ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है। टोटली डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अपलोड करने हैं एंड आप इस इंफॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ नो योर बैलेंस, आप इस नंबर पर जो नंबर 011 से स्टार्ट है इस नंबर पर आप मिस कॉल देके अपना बैलेंस पता कर सकते हैं। एंड सेकेंड ऑप्शन है जो नंबर 77 से स्टार्ट है, इस नंबर पर आप SMS करके भी अपना बैलेंस जान सकते हैं PF का। यहाँ आपको सर्विस पर क्लिक करना है, सर्विस पर आपको फॉर एम्प्लॉयर पर क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है फॉर एम्प्लॉई पर। फॉर एम्प्लॉई पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका मेंबर पासबुक का, सेकंड आ जाएगा मेंबर UN ऑनलाइन का। हमें यहाँ मेंबर UN ऑनलाइन पर क्लिक करना है। मेंबर पासबुक पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ इससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी कि अगर आपके पास आपके HR ने या अकाउंट डिपार्टमेंट ने आपको आपका UN नंबर दिया है और वो नंबर एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि UN नंबर आपको खुद अपने हैंड से एक्टिवेट करना होता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ आप अपना UN नंबर डाल सकते हैं। या अगर मान लीजिए आपको अपना UN नंबर नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो आप यहाँ आधार कार्ड या पैन कार्ड, इन दोनों में से एक पे क्लिक कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर UN नंबर डाल के ही क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर UN नंबर डाल देता हूँ अपना, ठीक है, यहाँ मुझे अपना नेम फिल करना होगा, यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, यहाँ ईमेल आईडी एंड यहाँ कैप्चा। आपको मोबाइल नंबर वही फिल करना होगा जो आपने ईपीएफओ के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दिया होगा एंड सेम ईमेल आईडी भी यहीं आएगी। आप जैसे ही गेट ऑथराइजेशन पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा एंड आपका UN नंबर एक्टिवेट हो जाएगा कुछ ही समय में। एंड हम चलेंगे गो टू होम वापस एंड यहाँ मुझे लॉगिन करने के लिए अपना UN नंबर डालना होगा। जैसा कि अगर आप COVID-19 में अगर आप अपना फंड विड्रॉल करना चाहते हैं या एडवांस कुछ निकालना चाहते हैं तो आप इस पर ये क्लिक करके कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। पूरा इसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि अगर आपको COVID-19 में फ़ंड निकालना है तो आपको क्या क्या ऑप्शन फिल करने होंगे। जैसे सेलेक्ट PF एडवांस, आपको फॉर्म 31 फिल करना होगा। फॉर्म 31 किन के लिए होता है, जो अभी वर्किंग में हैं ये उनके लिए होता है, जो वर्किंग में नहीं है उनके लिए अलग फॉर्म होता है, उस पर हम आगे बात करेंगे। एंड आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19। एंड इसमें भी कुछ कंडीशन होती है कि अगर आप चाहें कि मैं एडवांस में कुछ ज़्यादा पैसा निकाल लूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। ये एलिजिबल अमाउंट देख सकते हैं आप अप टू 75% तक, यानी आपका जितना टोटल बैलेंस है आपका PF का, यानी आपका एम्प्लॉई शेयर। मान लीजिए जैसे आपका एम्प्लॉई शेयर हो गया फॉर एग्जांपल 100 रुपये और आपका एम्प्लॉयर शेयर हो गया आपका 50 रुपीज़, क्योंकि बाकी 50 रुपीज़ आपका जाएगा पेंशन फंड में, तो ये आपका हो गया 75 रुपीज़, ठीक है। एंड और 3 मंथ PF वेजेस या आपकी 3 महीने की वेजेस या सैलरी, जो भी इन दोनों में से कम होगी आप वही निकाल सकते हैं। या मान लीजिए जैसे आपका यहाँ पर हो गया 75 रुपीज़ जमा एंड यहाँ आपकी वेजेस जो बनती है 3 महीने की फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ बनती है,
ठीक है, तो आप 50 रुपीज़ के लिए ही क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, पीएफ वेजेस और द क्लेम्ड अमाउंट बाय द मेंबर विच एवर इज़ द लिस्ट, जो इन दोनों में से कम हो। या एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी कुछ 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, 10,000 आपके इज इक्वल टू 3 मंथ, या आपकी 30,000 रुपीज़ सैलरी हो गई एंड आपका पीएफ का पैसा जमा है मान लीजिए 75,000, तो आप 30,000 ही विड्रॉल कर सकते हैं। एंड इस पेज को मैं यहाँ से क्लोज करूँगा, आप यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैंने पेज ओपन कर रखा है। यहाँ मैं अपना यूएन नंबर डालूँगा, जैसा मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया, और ये है आपका ई नॉमिनेशन फैसिलिटी। मान लीजिए अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है अपने पीएफ अकाउंट में, जैसा आप अपने सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आप नॉमिनी बनाते हैं, वैसे ही आपको पीएफ में भी नॉमिनी बनाना पड़ता है। मैं इस पे लेटर करूँगा, क्योंकि फाइल नाउ करके थोड़ा वेबसाइट पर थोड़ा लोड की वजह से कुछ दिक्कतें चल रही हैं, और यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक ऑप्शन ओपन करके दिखाऊंगा किस में क्या होता है। एंड अगर मान लीजिए आपने अगर अपना पासवर्ड जनरेट नहीं किया है, तो मैं आपको आपका कैसे आपको अपना पासवर्ड जनरेट करना है, आपको पहले एक लाइक कैरेक्टर यूज़ करना है पासवर्ड बनाने से पहले। लाइक कैरेक्टर आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका अंडर स्कोर हो गया, हैज हो गया, और एट द रेट हो गया, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेना है, देन आपको एक लेटर कैपिटल लेना है। लेटर कैपिटल का मतलब हो गया जैसे आपने बनाया अपना पासवर्ड स्पेशल कैरेक्टर के बाद आपको ए लेना है, तो आपको ए को स्मॉल में नहीं लेना है, कैपिटल में लेना है। बाकी आपको कुछ न्यूमेरिक भी यूज़ करने हैं, कुछ आपको वर्ड्स भी यूज़ करने हैं। मैं यहाँ पे व्यू पे क्लिक करूँगा, व्यू पे आएगा आपका प्रोफाइल, आपका नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है। अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करने हो तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। क्योंकि एडिट नहीं होगा, क्योंकि ये लिखा है आधार इज ऑलरेडी वेरीफाइड, क्योंकि इसने आधार से उठाया है। यहाँ आप अपनी सर्विस हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने कब कंपनी को ज्वाइन किया। जैसे यहाँ मेरी 2 मेंबर आईडी आ रही है, जैसे फर्स्ट में ये मेंबर आईडी हो गई, ये इस्टेब्लिशमेंट नेम हो गया, किस कंपनी में आपने वर्क किया था, ये इस्टेब्लिशमेंट आईडी हो गई, ये DOJ EPF हो गई, यानी आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPF, यानी आपने जब से आपका पीएफ कटना स्टार्ट हुआ है तब से डेट आती है। इसमें वो डेट नहीं आएगी, जैसे मान लीजिए आपने आज से किसी कंपनी को ज्वाइन किया और आपका पीएफ कटना स्टार्ट हुआ लाइक 3 मंथ या 6 मंथ बाद, तो आपकी डेट आएगी वही जब से आपका पीएफ कटना स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर आती है आपकी DOE EPF, डेट ऑफ एग्जिट, यानी आपने कब अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को आपने छोड़ा था, वो चीज़ यहाँ पे फिल हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है और आपने 2 or 3 मंथ किसी अदर कंपनी को रीजॉइन नहीं किया है और आप पूरा फंड एक बार में ही निकालना चाहते हैं, तो आपको अपनी DOE डेट ऑफ एग्जिट अपने HR डिपार्टमेंट से कहकर या अकाउंट डिपार्टमेंट से कहकर डेट फिल करवानी होगी, क्योंकि इसके बिना आप अपना PF विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ हमने सर्विस हिस्ट्री को भी हमने कवर किया, ये आपका यूएन कार्ड हो गया, यहाँ आपका यूएन नंबर आ जाएगा, यूएन नंबर आ जाएगा, आपका नेम, फादर नेम, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है नहीं हो चुकी है, यहाँ पे आपकी पासबुक आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो मैं पासबुक पे भी अभी बात करता हूँ, एंड पासबुक के अलावा हम यहाँ चलेंगे मैनेज पे। मैनेज पे आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई, ये हमारी बेसिक डिटेल भी इन्होंने आधार कार्ड से उठा रखी है, ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल हो गई, ये कॉन्टैक्ट डिटेल में अगर आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से भी चेंज कर सकते हैं। इसको आपको यहां पर क्लिक करना होगा, यहां आपको न्यू मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, फिर री एंटर न्यू मोबाइल आपको एंटर करना होगा, यही प्रोसेस आपका ईमेल आईडी चेंज करने का है। एंड यहाँ आपकी केवाईसी हो गई, आपकी केवाईसी में ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने अभी तक अपने कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कराए हैं, तो जैसे मान लीजिए क्योंकि पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपका फंड आपके बैंक में ट्रांसफ़र होता है, तो आपको बैंक नंबर फिल करने के लिए यहाँ सेलेक्ट पे आपको बैंक फिल करना होगा, यहाँ आपको बैंक का अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा, यहाँ आपको नेम फिल करना होगा, यहाँ आपको बैंक का आईएफएससी फिल करना होगा, एंड ऐसे ही आपको अपना पैन नंबर फिल करना होगा, यहाँ पे आपका पैन नंबर आएगा, यहाँ आपका नेम आएगा, एंड ऐसी बैंक में आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर, एंड जो आपकी पासबुक पे आपका नेम फिल किया हुआ, अगर मान लीजिए आपके बैंक में और पेन में थोड़ा डिफरेंस है तो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी केयरफुली देखना है कि आपके नेम, बैंक, पेन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस में तीनों चारों डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट आप फिल कर रहे हैं उसमें सब में सेम होने चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर सेव कर देना है, फिर अगर आप कुछ टाइम बाद देखेंगे यहाँ पे केवाईसी पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ आपका यूएन नंबर, डॉक्यूमेंट टाइप, आपका नेम वगैरह वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव नहीं हुए हैं तो पेंडिंग में शो करेंगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो चुके हैं तो यहाँ पर शो करेंगे, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट फिल कर चुका हूँ। यहाँ आपका बैंक होता है, बैंक को भी जो यहाँ लिखा है ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्टेटस, ये यानी बैंक को भी वेरीफाई ऑनलाइन नहीं हो पाता है, ठीक है। पेन भी यानी हाल फिलहाल नहीं हो पा रहा होगा वेरीफाई, वैसे पेन हो जाता है। यहाँ आधार कार्ड वेरीफाई होता है, वेरीफाइड बाय UIDAI ये लिखा हुआ है, एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी आई थिंक ऑनलाइन नहीं वेरीफाई हो पा रहा है। ड्राइविंग लाइसेंस फिल करते वक्त आपको उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी भी डालनी होगी, जैसा यहाँ डेट ऑफ एक्सपायरी शो हो रही है। ये हमारा मैनेज भी पूरा कंप्लीट हो गया, मैनेज में लाइक ई नॉमिनेशन हो गया, ई नॉमिनेशन में आप अपने वाइफ को या अपने फैमिली मेंबर किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। कह रहा है कि आपको डेस्कटॉप वर्जन यूज़ करना है मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। एंड आपका मार्क एग्ज़िट हो गया, मार्क एग्ज़िट में भी कुछ नहीं आ रहा है। एंड यहाँ हम चलते हैं अकाउंट में, अकाउंट में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे आपको अगर अपना पासवर्ड चेंज करना है, लास्ट जो मैंने दिखाया था उसमें मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस चेंज करने के लिए बोल रहा था, यहाँ आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ आपको न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यहाँ ओल्ड आएगा, यहाँ न्यू, यहाँ कन्फर्म। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि आपको पासवर्ड कैसा बनाना है, पासवर्ड यानी ये लिखा हुआ है आपका पासवर्ड शुड कंटेन वन मिनिमम 7 कैरेक्टर, 2 एटलीस्ट 1 कैपिटल, आप इसको पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ हम अब आ जाते हैं ऑनलाइन सर्विस पे कि हमें कैसे क्लेम करना है अपना पीएफ, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा। एंड यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल आपकी आ जाएंगी, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है,
जो अकाउंट आपने पीएफ में ऑनलाइन अपलोड किया था वही आपको डालना है। यहाँ मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर भी मेरी डेट आ जाएगी कि मैंने कब ईपीएफ मैंने ज्वाइन किया था एंड कब मैंने एग्जिट किया था, वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। एंड आपका रीज़न ऑफ लीविंग, आपने क्यों छोड़ी, सेशंस और सर्विस, मोस्टली यही मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, यहाँ मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा एंड वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी मैंडेटरी हैं। यहाँ मैं येस पे क्लिक कर दूंगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। एंड यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यूएन नंबर आ जाएगा, आपका नेम, आपका पैन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, कब आपने ऑफिस छोड़ा। ठीक है, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 एंड सेकेंड है ओनली पेंशन विड्रॉल। पेंशन का पार्ट कब निकाला जाता है, पेंशन का पार्ट तब निकाला जाता है जैसे आप जॉब छोड़ चुके हो और आप पूरा पैसा निकालना चाहते हो। तो पहले आपका एम्प्लॉयर, पहला आपका एम्प्लॉय का हो गया टोटली आपका लमसम 50% और आपके एम्प्लॉयर का हो गया। ठीक है, एंड सॉरी, आपका एम्प्लॉय का हो गया पूरा 100%। ठीक है, एंड आपके एम्प्लॉयर का हो गया 50% एंड 50% जाता है आपका पेंशन फंड में। तो मान लीजिए कि जैसे आपके 10,000 रुपये जमा हुए आपके एम्प्लॉय पार्ट में, ठीक है, एंड 10,000 रुपये ही आपके जमा हुए एम्प्लॉयर पार्ट में, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का लगभग सेम ही पीएफ कटता है, मामूली ऊपर नीचे हो जाता है। तो जैसे आपका 10,000 रुपये पीएफ जमा हुआ आपके एम्प्लॉय पार्ट का एंड 10,000 रुपये जमा हुआ आपके एम्प्लॉयर पार्ट का, तो आपका 10,000 रुपये तो एक हो गया एंड जो आपका 10,000 रुपये एम्प्लॉयर है उसमें 5,000 रुपये जाएंगे आपके पेंशन में एंड 5,000 रुपये जाएंगे आपके एम्प्लॉयर पार्ट में। तो आप ओनली, जो आप ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 निकालेंगे उसमें आपके 15,000 रुपये ही विड्रॉल होंगे। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है ओनली पेंशन विड्रॉल, पेंशन विड्रॉल में आपके बचे 5,000 रुपये, इसका प्रोसेस आप बाद में करते हैं जब आपका पैसा फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। एंड जो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 लिखा हुआ है, फॉर्म 31 उन लोगों के लिए होता है जो अभी वर्किंग में हैं एंड फॉर्म 19 उनके लिए होता है जो जॉब छोड़ चुके हैं, जिन्हें 2, 3, 4, 5 महीने हो गए हैं, उन्होंने अभी तक किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया है। एंड पेंशन वाला होता है फॉर्म 10C। तो मैं यहाँ चलता हूँ ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर, क्योंकि मैं अभी वर्किंग में नहीं हूँ। एंड ये आ गया, एंड आपको अपलोड फॉर्म 15G। फॉर्म 15G किस लिए होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपका पीएफ 50 या 55,000 से ऊपर है तो उस पे आपका 10% TDS डिडक्ट होता है, जो कि बाद में आप ITR फिल करते हैं आपको रिटर्न हो जाता है। अगर आप इसके प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 15G फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15G फॉर्म आपको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ टैक्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो आपका एड्रेस है, यहाँ आपको स्टेट फिल करनी है आप किस स्टेट में रहते हैं, एंड यहाँ आपकी सिटी आ जाएगी एंड यहाँ आपका पिन कोड आ जाएगा, यहाँ आपके सिटी का नाम आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट में फिल करता हूँ, कोई स्टेट उठाता हूँ मैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा ज़िला है, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, लाइक मैं अल्मोड़ा ले लेता हूँ। यहाँ आपको आपके पासबुक या चेकबुक की कॉपी अटैच करनी है। आप जैसे अपना चेक अटैच करते हैं तो आप उसको कैश
कैंसिल करके भी कर सकते हैं, या आपको पासबुक के फर्स्ट पेज की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम यह देखना चाहिए कि फ़ाइल जो है वो JPG या JPEG में होनी चाहिए, और मिनिमम उसकी लेंथ 100 KB होनी चाहिए, मिनिमम यानी 100 KB से नीचे नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड आपका शो हो रहा हो। अगर मान लीजिए इन दोनों में कहीं मिसमैच हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बेटर यह है कि अगर आपको यहाँ पे पासबुक और चेकबुक में से अगर आप चेकबुक अपलोड करें तो बेस्ट है, अगर चेकबुक नहीं है तो ऑप्शनल के लिए आप पासबुक कर सकते हैं। एंड यहाँ आप व्यू पे क्लिक करके अपना चेक देख सकते हैं, ठीक है। ये सब फिल करने के बाद यहाँ आएगा आई सर्टिफाई दैट आई हैव गॉन थ्रू द डेटा सीडेड इन UN पोर्टल एंड फाउंड ऑल डेटा इंक्लूडिंग फॉर्म नंबर 11 बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ आपको अप्लाई कर देना है, यहाँ आपको अप्लाई कर देना है एंड फिर आपको गेट आधार OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आ जाएगा, फिर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। एंड मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आप वर्किंग में हैं, ठीक है, आप अगर वर्किंग में हैं तो आप अपना PF का पैसा निकालेंगे एडवांस के थ्रू, उस प्रोसेस को भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ मैंने किया वेरीफाई पे, यहाँ मैंने यस कर दिया, यहाँ मुझे क्लिक करना है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन फॉर्म। एंड यहाँ आएगा आई वॉन्ट टू अप्लाई, तो आपको PF मान लीजिए एडवांस के तौर पर निकालना है अगर आप वर्किंग में हैं तो। यहाँ मैंने इस पर क्लिक कर दिया, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, तो आपको यहाँ पर लेना है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 कि आप जो पैसा निकालना चाहते हैं वह कोरोना वायरस की दिक्कतों के चलते हुए निकालना चाहते हैं, तो तभी आपका PF एडवांस इससे निकलेगा। एंड जो आपका PF निकलेगा, अगर मान लीजिए आप अगर वर्किंग में नहीं हैं तो आई थिंक 10-15 डेज का प्रोसेस चल रहा है अभी वेबसाइट पे काफ़ी ज़्यादा वर्क लोड होने के कारण। एंड अगर आप COVID-19 के थ्रू निकाल रहे हैं तो आपको 7-10 डेज भी लग सकते हैं। एंड ये मैंने ऑनलाइन सर्विस पे क्लेम वाला मैंने टॉपिक कवर किया। सेकंड होता है आपका वन मेंबर वन EPF अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, ये किस लिए होता है, अगर मान लीजिए आपने 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन में आपने वर्क किया है और मान लीजिए आपका लाइक UN नंबर अलग अलग है या आपके जो EPF नंबर हैं वो अलग अलग हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही UN नंबर में ट्रांसफ़र करना होता है। आपको उसके लिए यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयर का नंबर इसमें फिल करना होता है, प्रेजेंट का नहीं सॉरी, आपको प्रीवियस का यहाँ पे सबमिट करना होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पहले एक कंपनी में वर्क किया, ठीक है, अब आप बी कंपनी में आ गए हैं तो आप ए कंपनी का जो PF का पैसा है वही तो आप बी कंपनी में फॉरवर्ड करेंगे, यानी आपका जो बी कंपनी में जिस UN में आपका पैसा डिडक्ट हो रहा है उसमें भी कुछ आई थिंक 5-10 डेज के बीच का टाइम होता है। एंड उसके लिए आपका जो एम्प्लॉयर होता है, प्रीवियस एम्प्लॉयर होता है, वो आपके डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है। उसके लिए अगर आप देखना चाहें कि ये कैसे होता है तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। ट्रैक क्लेम स्टेटस पे 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे ये हो गया आपका ट्रांसफ़र क्लेम स्टेटस, अगर मान लीजिए आपने फ़ंड विड्रॉ करने के लिए प्रोसेस किया है तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ट्रैकिंग ID क्लेम टाइप प्रीवियस अकाउंट नंबर ही आ जाएगा। एंड अगर मान लीजिए आप
दो या तीन ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर चुके हैं और आप उन्हें मर्ज करना चाहते हैं एक ही यूएन नंबर में, तो वो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा, उसको भी अप्रूव करेगा आपका एम्प्लॉयर। एंड ये पूरा कंप्लीट हो गया। एंड यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि लाइक करने से हमें और ज़्यादा खुशी मिलती है और हम नए नए चैप्टर कवर करने की कोशिश करते हैं। एंड अगर आपने अब तक इस चैनल BMRD इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।